अंबाला लोकसभा की सीट अभी खाली है। हाल ही में रतनलाल कटारिया का निधन हो जाता है, जिसके बाद कयास ये लगाई जा रही है कि अंबाला लोकसभा की सीट पर चुनाव होंगे, लेकिन अभी तक कोई आधिकारिक सूचना नहीं आई है। पत्रकारों ने अनिल विज से बात करी तो अनिल विज ने कहा कि जब भी सूचना आएगी हमारा संगठन तैयार है और हमारा संगठन हमेशा से ही चुनावों के लिए तैयार रहा है। उन्होंने जब ये क्वेश्चन पूछा गया कि क्या कांग्रेस भी इस पर चुनाव लड़ेगी, तो उन्होंने चुटकी लेकर कहा कि इतने सालों में तो कांग्रेस का संगठन बना ही नहीं है, अब आखिर कांग्रेस चुनाव कैसे लड़ेगी। दरअसल मामला ये बताया जा रहा है कि रतनलाल कटारिया के निधन के बाद लोकसभा की सीट खाली है और नियमों के तहत एक साल से ज़्यादा अगर समय बच जाता है तो लोकसभा की सीट पर अगर किसी MLA MP का निधन हो जाता है तो वहाँ पर चुनाव कराना बेहद ज़रूरी हो जाता है, जिसके चलते जो है लोकसभा सीट पर चुनाव कराना ज़रूरी हो गया है, लेकिन इसकी कोई आधिकारिक सूचना नहीं आई है, जिसके चलते हर पार्टी ने अपनी कमर कस ली है। वहीं बातचीत की जाए तो आम आदमी पार्टी ने भी हाल ही में अपने नए संगठन की शुरुआत करी है, तो वहीं कांग्रेस भी अपने नए संगठन को बनाकर सरगर्मियां तेज हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री कांग्रेस की महासचिव कुमारी शैलजा भी आसपास के जिलों में जाकर अपना प्रचार और प्रसार कर रही हैं और वहीं उन्होंने इस पर सहमति भी जताई है कि आने वाले समय में वो चुनाव लड़ेगी, लेकिन तस्वीर साफ होते हुए नजर नहीं आ रही है। और वहीं अनिल विज का कहना है कि हम पूरे तरीके से तैयार हैं और हमारा पार्टी वर्कर जो है ग्राउंड लेवल पर जाकर काम करता है और जब भी सरकार जो है कहेगी हम या फिर चुनाव आयोग कहेगा तो हम लोग चुनाव के लिए तैयार हैं। दरअसल ये एक तरह का मास्टर स्ट्रोक भी देखा जा रहा है और ये 2024 में आ रहे चुनावों का भी विश्लेषण होता हुआ नजर आ रहा है। अगर अंबाला सीट पर लोकसभा चुनाव होता है और लोकसभा चुनाव होने के कारण जैसा भी रिजल्ट सामने आता है उसे देखना होगा कि 2024 का चुनाव किस प्रकार से होगा, चाहे वो हरियाणा की बात की जाए चाहे वो केंद्र की बात की जाए। आइए बातचीत करने का प्रयास करते हैं गृह मंत्री अनिल विज से, क्या कुछ उनका कहना है जब उन्होंने मीडिया से बातचीत करी। मेरी सभी से अपील है जो भी इस वीडियो को इस खबर को देख पा रहा है शेयर जरूर करते रहेगा कि यहाँ पर उपचुनाव होंगे या नहीं, क्योंकि लोकसभा के चुनाव भी बिल्कुल नजदीक है, परंतु अगर चुनाव आयोग ये फैसला करता है कि यहाँ चुनाव होने हैं तो भारतीय जनता पार्टी को कभी कोई विशेष तैयारी नहीं करनी होती, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तो हमेशा फील्ड में रहते हैं, ये दूसरी पार्टी की तरह बैरकों में नहीं चले जाते हैं और चुनाव आने पे हमें कोई नए संगठन की रचना नहीं करनी पड़ती है जैसा कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस कई सालों में अपना संगठन नहीं बना सकी, हमारा तो सपना बना है, हमारी भोजन तो तैयार, तो फैसला नहीं किया है कि यहां पर उपचुनाव होंगे या नहीं, क्योंकि लोकसभा के चुनाव भी बिल्कुल नजदीक हैं, परंतु अगर चुनाव आयोग ये फैसला करता है कि यहाँ चुनाव होने हैं तो भारतीय जनता पार्टी को कभी कोई विशेष तैयारी नहीं करनी होती, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तो हमेशा फील्ड में रहते हैं, ये दूसरी पार्टी की तरह बैरकों में नहीं चले जाते हैं और चुनाव आने पर हमें कोई नए संगठन की रचना नहीं करनी पड़ती है जैसा कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस कई सालों में अपना संगठन नहीं बना सकी, हमारा तो सपना बना है। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।